हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। मैं हूं सुखदेव, आप देख रहे हो सुपर डीए साउंड। आज के वीडियो में यहां पर जो कमेंट पिन हुआ है, कमेंट यहां पर आप लोग साइड में देख सकते हो, मैं यहां पर साइड में दिए देता हूं और आप लोग भी कमेंट कर सकते हो। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका भी कमेंट पिन हो जाए, आपके कमेंट के ऊपर भी वीडियो बन जाए, ठीक है। तो आप लोग नीचे जाकर कमेंट कर सकते हो। फिलहाल आज के कमेंट को देख लेते हैं। यहां पर सर ने यहां पर कमेंट किया है, मैं रायगंज से हूं, एक सेटअप का सर को वीडियो बनाना है। यहां पर दो टॉप दो बेस होगा सेटअप में। बेस का जो स्पीकर होगा पीओडीओ का 1200 वाट का स्पीकर होगा बेस में। टॉप का जो स्पीकर होगा, टॉप के अंदर स्पीकर होगा पीओडीओ का 400 वाट का स्पीकर टॉप के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर सर ने यहाँ पर एम्पलीफायर भी बताया है, आउजा का 5000 वाट का एम्पलीफायर। शायद सर को ये नहीं पता कि आउजा का 5000 वाट का एम्पलीफायर नहीं होता, तो यहाँ पर मैं आउजा का ही एम्पलीफायर ऐड करूंगा, ठीक है। कौन सा एम्पलीफायर ऐड करता हूँ ये भी आप लोग देखिए, लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। और सर यहाँ पर बताया है एक स्टेबिलाईजर और एक 6 चैनल का मिक्सर। तो ये पूरा सेटअप सर यहाँ पर कमेंट किए हैं और यहाँ पर इस सेटअप के ऊपर आज बात करेंगे। लास्ट में देखते हैं प्राइस कितना होता है, आप लोग वीडियो को देखते रहिए। प्राइस में लास्ट में बताने वाला हूँ, एक एक चीज का भी प्राइस बताऊंगा और आप लोग भी कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपके कमेंट पिन हो जाए और आपके कमेंट के ऊपर वीडियो भी बन जाए, ठीक है। तो वीडियो काफी मस्त होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। एक एक चीज का प्राइस मैं बताने वाला हूँ वीडियो में। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ फर्स्ट में टॉप का स्पीकर, ठीक है। टॉप के स्पीकर की मैं बात करता हूँ फर्स्ट में ही। तो यहाँ पर टॉप का जो स्पीकर होगा, सर ने यहाँ पर बताया है पीओडियो का 15BM 400B V3 मॉडल का ये स्पीकर होगा टॉप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्पीकर होता है 15 इंची का स्पीकर होता है, 400W AES पावर का स्पीकर होता है। मैं साइड में स्पेसिफिकेशन भी दिए देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन मैं यहाँ पर देख कर भी बताता हूँ। स्पीकर में आपको 40 से लेकर 3000 तक आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा और 8 ओम्स का ये स्पीकर होता है, 400W AES पावर का ये स्पीकर होता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा पीओडीओ का स्पीकर AES पावर में होता है, ज्यादातर स्पीकर ही AES पावर में होता है। तो यहाँ पर 400W AES पावर का ये स्पीकर है और इसका जो वॉइस कॉयल है 3 इंची का ये स्पीकर का वॉइस कॉयल आपको मिल जाएगा और एक स्पीकर का वेट लगभग 9 kg का होता है। बात करता हूँ अगर स्पीकर के प्राइस, तो लगभग एक स्पीकर का प्राइस आपको 5500 रूपए करके पड़ जाएगा मार्केट में, ठीक है। एक एक स्पीकर का प्राइस 5500 रूपए। तो अभी यहाँ पर बात करते हैं HF की। तो सर ने यहाँ पर बता दिया है कि टॉप के अंदर स्पीकर होगा 400W के प्यो ऑडियो का। तो आप यहाँ पर HF लेंगे ही प्यो ऑडियो का ही 80W का HF आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। जो HF होगा 80W का होगा और प्यो ऑडियो का होगा। तो आप यहाँ पर एक 80W का अगर आप प्यो ऑडियो का HF लेते हैं तो लगभग आपको एक एक पीस का प्राइस 3500 रूपए करके पड़ जाएगा एक पीस का प्राइस। और साथ ही साथ आपको लेना है HF का नेटवर्क किट, उसका भी प्राइस लगभग आपको 1500 रूपए करके पड़ जाएगा, ठीक है। तो दो HF का प्राइस आपको 3500 रूपए करके 7000 रूपए दो HF, और साथ ही साथ नेटवर्क का प्राइस और भी 1500 रूपए करके 3000 रूपए दो नेटवर्क का प्राइस। तो जैसे कि यहाँ पर सर ने बताया है कि जो बेस का स्पीकर होगा 18 इंची में, वो स्पीकर होगा 1200W का और पीओडीओ का होगा। तो यहाँ पर पीओडीओ का तो 1200W में एक ही स्पीकर आता है पीओडीओ का GST 18-1200, और ये वाला स्पीकर भी वर्जन 3 V3 मॉडल में आता है, ठीक है। तो ये स्पीकर आप यूज कर सकते हो पीओडीओ GST 18-1200 V3, ये मॉडल का स्पीकर आप यूज कर सकते हो। ये भी नया मॉडल का स्पीकर है और इस स्पीकर में आपको 1200W का AES पावर का स्पीकर होता है ये स्पीकर, और साथ ही साथ इसमें आपको 4 इंची का वॉइस कॉल मिलता है। फ्रीक्वेंसी भी काफी अच्छा आपको मिल जाता है, 30 से लेकर 1000 हर्ट्ज तक। मैं साइड में स्पेसिफिकेशन दिए देता हूँ, आप लोग देख सकते हो। और एक स्पीकर का वेट लगभग 16 kg हो जाता है। बात करते हुए एक स्पीकर का प्राइस, तो लगभग 16000 में आपको एक स्पीकर मिलेगा। एक स्पीकर का प्राइस है 16000 रूपए। आपको यहाँ पर अगर दो बेस रेडी करना है तो दो बेस के लिए दो स्पीकर आप ले सकते हो, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर चलिए मैं अभी कैबिनेट का भी प्राइस बताता हूँ और कैबिनेट कौन सा लेना है वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं टॉप का स्पीकर और बेस का स्पीकर तो मैंने यहाँ पर बता दिया है, अभी मैं यहाँ पर कैबिनेट की बात करता हूँ। तो कैबिनेट आप यहाँ पर JBL का 7-5 मॉडल ले सकते हो, मार्केट में बहुत ही ज्यादा चलता है JBL का 7-5, और ये मॉडल आप ले सकते हो। लगभग अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 75 लगभग आपको 13000 में पेयर मिल जाएगा। और आप अगर बेस लेना चाहते हैं सिंगल में, तो सिंगल में आप 718S ये मॉडल ही ले सकते हो JBL का SRX 718S, ये मॉडल का बेस आप ले लीजिएगा दो पीस, मतलब एक पेयर का प्राइस लगभग आपको 15000 में मिल जाएगा, ठीक है। टॉप का 725 मॉडल के टॉप का प्राइस लगभग आपको पड़ेगा 13000 रूपए, और 718 बेस का प्राइस आपको पड़ेगा लगभग 15000 रूपए।
सभी मैं यहाँ पर पेयर का प्राइस बताया हूँ, आपको इसी प्राइस में लगभग आपको मिल जाएगा, थोड़ा प्राइस कम ज्यादा हो सकता है। अभी बात करो अगर एम्पलीफायर की, तो सर यहाँ पर कमेंट में बोले थे कि आउजा का एक 5000 वाट का सर को एम्पलीफायर लेना है, लेकिन आउजा का तो कोई भी 5000 वाट का एम्पलीफायर नहीं आता, तो आप यहाँ पर आउजा का दो एम्पलीफायर ले लीजिएगा, एक एम्पलीफायर होगा टॉप के लिए और एक एम्पलीफायर होगा बेस के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टॉप के लिए जो एम्पलीफायर होगा आउजा का LX-A 2400, इस एम्पलीफायर में आपको टॉप चलाना है, एक एक चैनल पर एक एक टॉप आपको लगा देना है, मैं साइड में दिखा भी देता हूँ, ऐसे ही आपको एक एक चैनल पर एक एक टॉप आपका लगा देना है, और आपका टॉप के अंदर स्पीकर है 400 वाट करके, काफी मस्त चलेगा। और ये एम्पलीफायर पर चैनल में 4 ओम्स पर 880 वाट करके आउटपुट करता है, काफी अच्छे से आप दो टॉप इस एम्पलीफायर में आप चला सकते हो, LX-A 2400 एम्पलीफायर, ठीक है ये एम्पलीफायर। और बात करता हूँ यहाँ पर बेस के लिए एम्पलीफायर, तो बेस के लिए आपको यहाँ पर लेना है LX-A 4500 ये एम्पलीफायर आपको ले लेना है बेस के लिए। बेस के लिए ये एम्पलीफायर काफी मस्त आपको साउंड देगा, ठीक है। और ये एम्पलीफायर आउटपुट करता है 8 ओम्स में 1000 वाट, काफी आपका साउंड अच्छा आने वाला है, ठीक है। आपका जो बेस का स्पीकर है वो भी 1200 वाट AES में है, लगभग 1000 वाट RMS में ही होता है, तो आप इस एम्पलीफायर को अगर आप बेस के लिए यूज करते हो तो काफी अच्छा आपको आउटपुट रिस्पॉन्स काफी अच्छा आपको मिलेगा, एक एक चैनल पर एक एक बेस आपको लगा देना है, काफी अच्छा आपको आउटपुट सुनने को मिल जाएगा। अब ये दो एम्पलीफायर ले सकते हो, काफी मस्त आपको आउटपुट सुनने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप दो ऐसे एम्पलीफायर का यूज करते हो तो आपका सेटअप में ओम मैचिंग भी होता है, साथ ही साथ ये जो एम्पलीफायर मैंने ये पर बताया है, ये दो एम्पलीफायर मैंने एकदम परफेक्ट वाटेज एंड ओम्स मैचिंग करके बताया है, अगर आप ये दो एम्पलीफायर लेते हो तो काफी अच्छा आपको साउंड सुनने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ओम मैचिंग भी कर रहा है साथ ही साथ वाट का मैचिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो आप ये दो एम्पलीफायर ही ले सकते हो। और यहाँ पर सर बोले थे सर को एक स्टेबिलाईजर लेना है 5 KVA का, क्योंकि सर यहाँ पर एम्पलीफायर भी बोले थे 5000 वाट का एम्पलीफायर, इस वजह से सर जरूर बोले होंगे एक 5 KVA का स्टेबिलाईजर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्योंकि दो एम्पलीफायर रिकमेंड किया हूँ, इस वजह से मैं एक स्टेबिलाईजर बोल देता हूँ, आप एक 10 KVA का स्टेबिलाईजर ले सकते हो, क्योंकि आपका दो एम्पलीफायर होगा, एक 4500 वाट का और एक 2400 वाट का, तो यहाँ पर आप एक 10 KVA का स्टेबिलाईजर ले सकते हो, काफी अच्छे से आपका दो एम्पलीफायर चल जाएगा, ठीक है। और अगर आप एक 10 KVA का स्टेबिलाईजर लेते हो तो लगभग आपको 15000 रुपए या फिर 20000 रुपए इसके बीच में आपको पड़ जाएगा एक स्टेबिलाईजर का प्राइस, ठीक है। तो लगभग इसी हिसाब से आप एक ले लेना स्टेबिलाईजर, 10 KVA का आपको स्टेबिलाईजर ले लेना है। और यहाँ पर सर बोले थे सर को एक 6 चैनल का मिक्सर भी चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप आउजा का एक 6 चैनल का मिक्सर लेते हैं तो लगभग आपको अंडर 10000 में ही काफी अच्छे अच्छे आपको मिक्सर मिल जाएगा, थोड़ा सा बड़ा मिक्सर भी आप ले सकते हो, 10000 रुपए लगभग आप मानकर रखिए एक मिक्सर के लिए, ठीक है। बाकी चलिए टोटल में प्राइस देखते हैं कितना। यहाँ पर मैं जो फर्स्ट में जो लिस्ट दिया हूँ, टॉप का स्पीकर, HF नेटवर्क और बेस का स्पीकर, कैबिनेट सब मिलाकर यहाँ पर प्राइस आ गया है 92000, ठीक है। इसके अंदर टॉप का जो स्पीकर, बेस का स्पीकर, कैबिनेट सब मिलाकर 92000 में आ गया है। और यहाँ पर बात करता हूँ एम्पलीफायर्स की, तो एम्पलीफायर्स का प्राइस LX-A 2400 एम्पलीफायर का प्राइस 28500 रुपये और LX-A 4500 एम्पलीफायर का प्राइस 45000 रुपये। तो यहाँ पर एम्पलीफायर्स का प्राइस आ गया है 73500 रुपये, ठीक है। यहाँ पर मैं एम्पलीफायर्स का प्राइस अलग कर दिया हूँ, क्योंकि अगर आप दूसरा एम्पलीफायर लेते हो तो दूसरा एम्पलीफायर का प्राइस ऐड कर लेना, और साथ में आपको एक स्टेबिलाईजर का प्राइस 15000 रुपये और एक मिक्सर का प्राइस और भी 10000 रुपये आप ऐड कर लेना इसके साथ, ठीक है। आपका सेटअप का प्राइस 92000 और साथ ही साथ आपको एम्पलीफायर आपको जिस हिसाब से लेना है आप उसका प्राइस ऐड कर लेना, और स्टेबिलाईजर और मिक्सर का प्राइस 15000 और 10000 रुपये। तो ये था आपका पूरा सेटअप का प्राइस, आज का पूरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, और एक एक चीज का मैंने ये पर प्राइस बताया हूँ, एक एक चीज का प्राइस का मैंने लिस्ट करके भी दे दिया है। आप अगर ये एम्पलीफायर अगर नहीं लेना चाहते हो, LX-A 4500 और LX-A 2400 ये एम्पलीफायर अगर आप नहीं लेना चाहते हो, तो इसका प्राइस अलग करके आप जो एम्पलीफायर लेना चाहते हो उसका प्राइस ऐड कर देना, तो आपका वैसे भी आप लिस्ट करके पूरा टोटल कर सकते हो, इसलिए मैंने पूरा अलग अलग करके दे दिया है। और आई होप आपको आज का भी वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आपका भी कोई भी कमेंट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के ऊपर ही हो जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर आपका कमेंट कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग फ्रेश वीडियो में।